एक बार फिर हमारे चैनल ऑल मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में। दोस्तों आज कुछ सेक्शंस के नाम बताएंगे, उनके कोड्स बताएंगे, उनको कहां पर यूज किया जाता है ये बताएंगे। दोस्तों आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं उस सेक्शन से जो कि सबसे ज्यादा यूज होता है। फिक्सिंग, कहीं भी फिक्सिंग करते हैं, कोई भी विंडो बनाते हैं या फिर कोई फिक्स विंडो होती है तो उसमें सबसे ज्यादा यूज होने वाला सेक्शन ये ढाई डेड का सेक्शन है, जिसे हम बोलते हैं 63 और 38 का सेक्शन हम इसको बोलते हैं। सबसे ज्यादा यूज होने वाला सेक्शन आउटर्स में, सबसे ज्यादा यूज होने वाला सेक्शन ये ढाई डेड सेक्शन होता है। पार्टीशन वगैरह, हजारों फीट पार्टीशन बनते हैं, ऑफिस बनते हैं, तो सबसे ज्यादा उनमें यही सेक्शन यूज किया जाता है। इसके बाद दिखाएंगे इसमें जो हम क्लिप्स का यूज करते हैं वो कौन सी क्लिप हो, देख सकते हैं ये क्लिप्स आप यहाँ पर देख सकते हैं। सबसे ज्यादा आप कभी भी देखते होंगे ग्लास लगाते टाइम तो सबसे ज्यादा यूज होने वाली चीज ये क्लिप है, यानी कि ये क्लिप आपको हमेशा ही जरूरत पड़ेगी किसी भी पार्टीशन को बनाने के लिए, किसी भी फिक्स विंडो को बनाने के लिए सबसे ज्यादा इस चीज की आपको जरूरत पड़ती है। और इसके साथ जो यूज होती है ये देख सकते हैं, इसको बोलते हैं 5mm रबड़। ये यू रबड़ होती है जो कि ग्लास को फिक्स करती है। 4mm रबड़ भी दिखा देता हूँ, ये देख सकते हैं ये 4mm रबड़ होती है। तो ये हमारा क्या होता है कि 4mm के ग्लास में रबड़ लगती है। अब इसके बाद जो सेक्शन आते हैं मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों अब हम दिखाएंगे स्लाइडिंग जिनमें हम बनाते हैं वो कौन से सेक्शंस होते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, देख सकते हैं सिंगल ट्रैक, जहां पर टू ट्रैक्स लगे होते हैं ऑलरेडी वहां पर सिंगल ट्रैक की आवश्यकता पड़ती है मॉस्किटो मेस यानी कि स्क्रीन डोर लगाने के लिए, तो वो होता है सिंगल ट्रैक। ये देख सकते हैं सिंगल ट्रैक टॉप है और ये वाला जो आप देख रहे हैं ये वाला सिंगल ट्रैक बॉटम है जो कि जिसपे रोलर चलता है यानी कि हमारा ट्रैक होता है। अब इसके बाद दिखाएंगे हम आपको टू ट्रैक देख सकते हैं। टू ट्रैक इस तरीके का होता है, ये जिंदल मटेरियल है और ये थोड़ा हैवी मटेरियल है यानी कि ये 3 किलो से प्लस मटेरियल है और ये हमारा टू ट्रैक है। तो ये टू ट्रैक बॉटम है और इसका टू ट्रैक टॉप आप नीचे देख सकते हैं, ये टू ट्रैक टॉप है और ये टू ट्रैक बॉटम है। अब इसके बाद आता है थ्री ट्रैक, तो थ्री ट्रैक आप देख सकते हैं ये थ्री ट्रैक हमारा, ये थ्री ट्रैक टॉप है और ये थ्री ट्रैक बॉटम है जिसपे हमारे जो पल्ले चलते हैं यानी कि जो नीचे की तरफ लगता है इसको बोलते हैं थ्री ट्रैक बॉटम। अब हम आते हैं इसके जो पल्ले हम बनाते हैं इनमें कौन सा सेक्शन हम यूज करते हैं। तो दोस्तों ये देख सकते हैं ये हमारा इंटरलॉक होता है जिसमें दो कॉलर्स लगे हुए होते हैं, तो ये हमारा टू कॉलर्स वाला इंटरलॉक होता है और ये वाले जो आप देख रहे हैं ये वाला हमारा हैंडल सेक्शन होता है जिसे हम हैंडल बोलते हैं, यानी कि डेड पोना का जो हम सेक्शन यूज करते हैं बॉम्बे स्लाइडिंग में वो इस तरीके के सेक्शन होते हैं। अब इसके बाद दिखा देता हूँ मैं इसका एच बॉटम जो कि हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं यानी कि स्लाइडिंग बनाते समय या केसमेंट विंडो बनाते समय जो बॉटम में यूज होता है तो वो यही सेक्शन सबसे ज्यादा यूज होता है। ये हमारा एच बॉटम सेक्शन है तो सबसे ज्यादा यूज होता है ये बॉम्बे स्लाइडिंग्स वगैरह में, यानी कि ये आपका स्क्रीन डोर हो, ग्लास डोर हो या फिर सिंगल ट्रैक विंडो हो, टू ट्रैक विंडो हो, थ्री ट्रैक विंडो हो, तो सबसे ज्यादा यही यूज किया जाता है। उसके बाद हम दिखाते हैं अब इसके बाद जो सेक्शन है ये देख सकते हैं 1960 का सेक्शन, जिसे हम जो है ढाई पोना का सेक्शन भी बोलते हैं। ज्यादातर क्या है अभी यही चलने लगा है बॉम्बे स्लाइडिंग जो विंडोज होती हैं टू ट्रैक थ्री ट्रैक सिंगल ट्रैक जो भी होती है उनमें यही सेक्शन यूज किया जाता है। तो इसका क्या है कि केसमेंट विंडो में भी ज्यादातर यही यूज होने लगा है, तो इसकी सिंगल टांग भी आने लगी है तो ज्यादातर यही यूज होने लगा है बॉम्बे स्लाइडिंग में भी। तो ये थ्री ट्रैक्स हैं जो कि जिसके बारे में मैंने आपको बताया। तो डोर सेक्शन आप देख सकते हैं ये होते हैं हमारे डोर सेक्शन यानी कि 45077 है यानी कि जो कि हमारे ज्यादातर टॉयलेट बाथरूम और ओपनिंग डोर्स में यूज किए जाते हैं। ये हमारी डबल टांग है जिसको हम 45086 बोलते हैं, 45086 ये हमारा सेक्शन होता है। तो यही इसमें कब्जे लगाए जाते हैं, ये कब्जे वाला सेक्शन होता है और ये हमारा जो जिसमें लॉक्स वगैरह लगते हैं वो वाला सेक्शन है। अब ये वाला जो सेक्शन है ये वाला देख रहे हैं आप 45028 यानी कि ये 3.25 का सेक्शन है, 45028 इसको हम बोलते हैं। और जो कि मैं जिस सिंगल टांग की बात कर रहा था वो ये वाली सिंगल टांग है, ये देख सकते हैं ये सिंगल टांग होती है, सबसे ज्यादा यूज की जाती है केसमेंट विंडोज में या जाली का डोर आप ओपनेबल बनाते हैं तो उनमें ज्यादातर यूज की जाती है। तो इसी के साथ अब मैं कुछ और सेक्शन दिखाऊंगा। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर 4 1 की भी ट्यूब आती है जो कि अब क्या है कि पहले क्या था जो 4 पोने, तो ये वाला जो सेक्शन आप देख रहे हैं इसके जो हम आउटर बनाते थे थ्री ट्रैक का यानी कि
आउटर बनाने के बाद जब हम इस पे ट्रैक लगाते थे तो ये ज्यादातर पहले यही यूज किया जाता था। तो अब इसके साथ साथ क्या है कि थोड़ी कॉस्ट बचाने के लिए ये क्या करते हैं, इस सेक्शन को यूज कर देते हैं। इधर भी देख सकते हैं ये वाला जो सेक्शन है ये हमारा 3.25 हाफ राउंड है जो कि मशीन पे यूज किया जाता है, मशीन के जो पल्ले बनाए जाते हैं उन पे यूज किया जाता है। और छोटे छोटे सेक्शन हैं ये जो सेक्शन है ये हमारा ई चैनल होता है जो कि 2 शीशे यानी कि 5 mm गिलास के जब हम छोटी छोटी शोकेस वगैरह बनाते हैं या ऑफिस में कोई फाइल्स वगैरह रखने के लिए बनाते हैं तो उनमें ज्यादातर ये वाला सेक्शन यूज किया जाता है। ये हमारा 1x1 का एंगल होता है। इसी के साथ ये वाला जो देख रहे हैं आप ये 1x1 का सेक्शन होता है। अब इनके साथ अब मैं दिखाऊंगा ये वाला जो हमारा होता है यू चैनल होता है ये 9x9 का यू चैनल होता है। और ये वाला जो यू चैनल देख रहे हैं ये वाला हमारा 12x12 का यू चैनल होता है यानी कि 1/2 इंच यू चैनल होता है। और ये 3 सूत का यू चैनल होता है। जाली लगाने के लिए 1.5x1 का जो सेक्शन होता है बॉम्बे स्लाइडिंग का उसमें सबसे ज्यादा यही यूज किया जाता है। 27-65 डोमाल की सीरीज में भी सबसे ज्यादा यही यूज किया जाता है उसको जाली को लगाने के लिए। और ऊपर की तरफ आप देख सकते हैं तो जो ऊपर मटेरियल्स रखे हैं वो देख सकते हैं तो ये ट्यूब्स होती हैं 1.5 की ट्यूब्स होती हैं जो कि हमारे जो सेक्शंस वगैरह में यूज की जाती हैं। ये ट्यूब हैं ये इसमें हमारी ये इधर की तरफ जो ये आप देख रहे हैं राइट की तरफ जो रखी हुई हैं ये 15 फीट की ट्यूब हैं और ये बीच में जो रखी हुई हैं ये वाली 12 फीट की ट्यूब्स हैं। तो ये मटेरियल्स हैं। अब मैं कुछ सेक्शन दिखाऊंगा। देखिए केसमेंट विंडो हम क्या करते हैं इन सेक्शंस का भी बना देते हैं यानी कि पौने दो सेक्शन है जो कि मैंने बताया था 4506 और 4507 तो इनका भी केसमेंट विंडो बनाया जाता है। और एक चैनल और दिखा देता हूं मैं जो कि स्लाइडिंग डोर्स के लिए होती है। तो ये चैनल देख सकते हैं इस चैनल को हम सी चैनल बोलते हैं बहुत इंपॉर्टेंट चैनल होती है। तो इसके साथ साथ जो हम रोलर्स का यूज करते हैं वो रोलर्स भी मैं आपको दिखा देता हूं। ये वाले रोलर्स देख रहे हैं आप तो ये वाले रोलर्स इसके साथ यूज किए जाते हैं। बहुत ही अच्छी चीज होती है बहुत ही अच्छी स्लाइडिंग इस पे चलती है। तो ये 27-65 की सीरीज है हमारी ये देख सकते हैं ये वाली जो विंडो है ये 27-65 की सीरीज है। अभी इसी के साथ कुछ और सेक्शंस और भी दिखाऊंगा मैं। तो हमारी डोमाल सीरीज की जो 27-65 जो सीरीज होती है तो उसके ये सेक्शन है ये हमारा ग्रे कलर का सेक्शन है ये हमारा व्हाइट कलर का सेक्शन है। और इसके साइड में इधर देख सकते हैं इधर कुछ सेक्शन रखे हुए हैं तो ये हमारा व्हाइट आइवरी कलर का सेक्शन है। ये डोमाल 27-65 की सीरीज होती है उसके ट्रैक्स हैं जो कि 16 फिट और 15 फिट के हैं। अब ये कुछ सेक्शंस देख सकते हैं जो कि 3.25 का सिंगल टंगा होता है यानी कि 4529 का जो सेक्शन होता है ये वो ज्यादातर डोर्स में बहुत ज्यादा हैवी डोर्स बनाने के लिए जो सेक्शन का यूज किया होता है ये वाला डोर सेक्शन है। और ये 1960 का सेक्शन है। और इधर के बाद ये देख सकते हैं ये जो सेक्शंस रखे हुए हैं क्लिप्स जो कि फिक्सिंग ग्लास फिक्सिंग के लिए यूज किए जाते हैं। ये हमारा देख सकते हैं लूवर्स यानी कि जो लूवर्स की विंडो बनाने के लिए यूज किए जाते हैं सबसे ज्यादा यही सेक्शन यूज किया जाता है। ये पत्ती होती है बेसिकली इसको सेक्शन नहीं बोला जाता इसको लूवर पत्ती बोला जाता है। और ये वाली जो ये वाला सेक्शन आप देख रहे हैं ये क्या होता है कि ये जी चैनल है जो कि स्लाइडिंग डोर्स वगैरह बनाने के लिए यूज की जाती है। तो ये वो जी चैनल होती है जो कि अभी मैंने सी चैनल दिखाया था। और ये क्या होता है कि ये ग्रिल्स होती हैं ग्रिल को क्या है कि मॉस्किटो मेट यानी कि स्क्रीन डोर बनाने के लिए यूज किया जाता है जाली के साथ आजकल ज्यादा चलन में है तो इसको यूज किया जाता है। इधर देख सकते हैं ये 3x1 की ट्यूब होती है यानी कि ये 75x25 mm की ट्यूब है ये भी बहुत ज्यादा यूज होती है। तो दोस्तों देख सकते हैं बहुत सारे इधर सेक्शन रखे हुए हैं मैं थोड़ा करीब से ले जाके आपको दिखा देता हूँ। ये देख सकते हैं टोटल सेक्शंस हैं इधर भी सेक्शंस रखे हुए हैं जो कि डोमाल 27-65 की जो सीरीज है उसके सेक्शन है। ये डोमाल हैंडल्स हैं जो कि आइवरी कलर में है ये देख सकते हैं। और ये वाला क्या होता है कि हमारा डोर बॉटम है जो कि 4.5x2 का होता है यानी कि ये बहुत छोटा बॉटम होता है डोर वगैरह में यूज किया जाता है। तो ये वाला जो सेक्शन देख रहे हैं 2.5x1 जिसको हम 63x38 mm का सेक्शन जो बताया था मैंने स्टार्टिंग में तो वही सेक्शन है। और ये ब्राउन कलर में सेक्शन है तो बहुत ज्यादा यूज किया जाने वाला सेक्शन 2.5x1 होता है। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।